हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए 5 रुपये का डिविडेंड लेके आया है, 240 रुपये का ये शेयर। अब आप सोच रहे होंगे भैया 5 रुपये का डिविडेंड तो लेके आया है, तो रिजल्ट आया होगा। आजकल रिजल्ट का सीजन चल रहा है, डिविडेंड का सीजन चल रहा है, बोनस स्प्लिट यही सारी चीज़ें आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। हर कोई कंपनी अपना अपडेट दे रही है। और अब मेन बात यह है, कई बार कंपनी डिविडेंड तो दे रही हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट नॉर्मल है, मतलब प्रॉफिट है लेकिन नॉर्मल है। तो चलिए बात करते हैं, ये कौन सा शेयर है, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है या नॉर्मल है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपये का, उन सब चीज़ों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, जिसको कहता है, कहा जाता है GHCL। GHCL अगर आप स्टॉक देखोगे तो स्मॉल कैप का शेयर है, 2400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 240 का प्राइस, P/E 7.29, मतलब हर 7 रुपये पे 1 रुपये कमा के देता है। अर्निंग पर शेयर 33, बहुत ही बढ़िया। बुक वैल्यू 175 के आसपास है। डेट 1300 करोड़ का कंपनी पे उधार भी है। PEG रेशियो बहुत नीचे, 0.36। सेल्स ग्रोथ 7 से 7.5%, डिविडेंड बढ़िया देता है 2.06% के डिविडेंड यील्ड। चलिए ये तो हमने जाना स्टॉक के बारे में, अब जानते हैं सबसे पहले रिजल्ट और डिविडेंड। 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। चलिए अब आप सोचेंगे डिविडेंड ये फाइनल डिविडेंड है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इससे पहले भी क्या कंपनी ने कभी डिविडेंड दिया है? जी हाँ, पिछले साल 2018, उससे पिछले साल 2017, हर बार इसने डिविडेंड दिया। पिछले साल 5 रुपये का दिया था, उससे पिछले साल 3.5 रुपये का दिया था, तो डिविडेंड जरूर दिया है। इस बार भी डिविडेंड दिया है, रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस से। क्वार्टर फोर में 914 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जो कि क्वार्टर थ्री में 874 करोड़ थी। चलिए मार्जिनल जंप 4.5% का देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 102 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ हुआ है क्वार्टरली, 15.68% का यहाँ पे भी जंप है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से बढ़ के सीधे 12 रुपये गया, यहाँ पे भी 15.61% का जंप देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया। अब पिछले क्वार्टर, पिछले साल यानी कि मार्च क्वार्टर से कंपेयर करते हैं सीधे सीधे, तो 25% का जंप टोटल इनकम है। 726 करोड़ से चल के सीधे 914 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 82 करोड़ से सीधे बढ़ के 118 करोड़, 44% का यहाँ पे भी जंप। अर्निंग पर शेयर 8 रुपये से सीधे 12 रुपये, बढ़िया। अब पूरे साल का लेखा जोखा देखते हैं। पूरे साल का अगर आप लेखा जोखा देखोगे तो ये देखिए कितना, 3008 करोड़ से बढ़ के टोटल इनकम 3356 करोड़ है, 11% का जंप। लेकिन नेट प्रॉफिट 356 करोड़ से कम हुआ है, मतलब 6 करोड़ कमी देखने को मिली है, तो 1.62% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और यहीं पे अर्निंग पर शेयर देखिए 35.41 रुपये से 35.50 रुपये, 0.25% यहाँ पर हल्का सा अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली। ये हमने बात करी GHCL की, रिजल्ट की। टेक्निकल लेवल पे देखते हैं स्टॉक को कैसा है। अब आप देखिए GHCL को पिछले 5 साल की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा था, नो डाउट। GHCL ये देखिए आप, अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखें, इसका चार्ट देखें, तो बिल्कुल अभी अपने ट्रेंड लाइन जो इसकी बनी हुई थी उसके पास से ही जाके अभी इसको वापस सपोर्ट लाइन मिली है। चलिए वो तो ठीक है, सपोर्ट लाइन वहाँ से मिली है। अगर आप इस शेयर को देखें, यहाँ पे इसका लेवल देखें, अभी गिरावट चल रही थी, किस लेवल से, ऑलमोस्ट 358 के लेवल से गिर के ये 193 के लेवल पे गया था। 358 का लेवल देखिए, 193 तक गया था। अब रिजल्ट तो मैं कहूँगा इतना अच्छा रहा नहीं इसका, और रिजल्ट में थोड़ा ये कमी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर पूरे साल का लेखा जोखा देखते हैं तो इसके सपोर्ट लेवल, तो गिरावट तो आएगी, तो जो यहाँ पे हल्का सा जंप देखने को मिला था, अप ट्रेंड देखने को मिला था, मुझे लगता है यहाँ पे गिरावट ज़रूर आएगी। और शेयर इन लेवल्स पे यानी कि 240 पे अभी है, तो 200 के लेवल तक इमीडिएट पहुँच सकता है, इन लेवल्स तक पहुँचने की कोशिश करेगा इमीडिएटली, तो इन लेवल्स पे यानी कि 200 से 220 की रेंज में जल्दी ही आ सकता है ये शेयर, इतनी गिरावट इसमें आ सकती है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं किस तरीके से है। 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का 12% होल्डिंग, 61 FII का 16% होल्डिंग, जेम्स कमर्शियल कंपनी लिमिटेड एक होल्ड प्रमोटर है 3% होल्डिंग के साथ, एरिस डाइवर्सिफाइड का पब्लिक शेयर होल्डर 5.03% के साथ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की 23% की इसमें होल्डिंग है। तो चलिए हमने यहाँ पे बात करी GHCL गुजरात हैवी केमिकल्स की, और जो 5 रुपये का डिविडेंड लेके आया है, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा मैं कहूँगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पूरे साल के लेखे जोखे में थोड़ा सा कमी, यहाँ पे फ्लैट रिजल्ट रहा है,
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।